नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। देश की हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के मकान के पास आतिशबाजी करने के मामले में गिरफ्तारी न होने को लेकर वंदना कटारिया के घर परिजनों से मुलाकात करने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और झबरेड़ा सीट से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और महक सिंह पहुंचे। इसी दौरान बता दें उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर को भी बदला गया है और अभी तक पुलिस इसमें पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पाई है। हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम सही से समय से करे और दोषियों को जेल भेजे ताकि इस तरह की हरकत करने वालों को आगे भी सीख मिल सके। और हम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि उन्होंने पटाखे वंदना कटारिया के मकान के बाहर चलाए, बल्कि हम इसलिए आए हैं कि हमारे देश की टीम जब फाइनल में हार गई तो ये लोग आतिशबाजी कर खुशी मना रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर जेल भेजे। साथ ही पुलिस जल्द इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई तो हमें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नए नवेले नेता प्रतिपक्ष बने प्रीतम सिंह ने कुमाऊं दौरे का आह्वान किया है। जसपुर के बाद नेता प्रतिपक्ष देर शाम काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया है, जहां तीन अलग अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर नहीं दिए और सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया है। साथ ही किसानों के ऋण माफी की बात कही थी और सरकार उसे भी माफ नहीं कर पाई है। और साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार लोकपाल नियुक्त करने से अब भाग रही है। वहीं बीजेपी सरकार सदन में विपक्षियों का सामना नहीं करना चाहती है। जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। कांग्रेस ने जनता के सहयोग से बीजेपी सरकार को उखाड़ने की कवायद शुरू कर दी है। आज काशीपुर आने का अवसर मिला। जहाँ तक 2022 का प्रश्न है, निश्चित रूप से चुनाव हमारे सर पर है। कांग्रेस इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हालत बद से बदतर है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज हालत ये है कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। एक नहीं, बहुत सारे विषय हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, वो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लालकुआ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने विधानसभा क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और फिर भी कोई ध्यान नहीं देता तो आंदोलन करेंगे। बता दें यहां विधानसभा क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने दौरा किया था, जिसमें उन्होंने लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनी और बैठक में मौजूद लोगों ने कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा को कॉलोनी की सड़क, पानी, नाली सफाई, जल भराव और रेलवे प्रशासन की तरफ से बार बार परेशान करने सहित तमाम समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही लोगों की समस्या सुनने के बाद कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि जल्द ही जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराकर समाधान कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका दें जिससे कि विधानसभा से लेकर प्रदेश तक का समुचित विकास हो सके, क्योंकि जब तक कांग्रेस सरकार में नहीं आएगी तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जब गांव विकास करेगा तो शहर अपने आप विकास करेगा और शहर के साथ साथ पूरा प्रदेश की उन्नति होगी, इसीलिए कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो आज लालकुआ की हालत है बहुत ही दयनीय है।
लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बिंदु खत्ता के हाटा ग्राम इंदिरा नगर में कुछ महीनों से खराब पड़े सरकारी हैंडपंप को ठीक करने की मांग को लेकर आज इलाके के युवाओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुरंत हैंडपंप को ठीक कराने की मांग को लेकर मिले ज्ञापन पर पवन चौहान ने तुरंत जल संसाधन के फोन पर बातचीत की और मामले से अवगत कराते हुए हैंडपंप को ठीक करने के निर्देश भी दिए। यहाँ समाज सेवी विकास गुप्ता के नेतृत्व में बिंदु खत्ता हाटा ग्राम क्षेत्र के युवाओं ने बीजेपी नेता पवन चौहान के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि हाटा ग्राम क्षेत्र में 50 घरों के लिए एकमात्र सरकारी हैंडपंप लगा था, जिसके चलते लोगों को पीने के लिए काफी परेशानी हो रही थी पानी की और ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनकी तरफ से जल संसाधन के अधिकारियों को पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। साथ ही उन्होंने खराब हैंडपंप को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग भी की है। होती रहती है, हैंडपंप लगे हैं वो खराब भी होते हैं, खराब होते हैं तो ठीक होने चाहिए समय पर, गर्मी का समय है। इन बेचारों ने वहाँ संपर्क जल संस्थान में किया होगा, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जी ने बहुत हैंडपंप लगाए हैं, तो हैंडपंप लगाए हैं तो खराब भी होंगे। और मेरे पास आज ज्ञापन लेकर के आए थे परेशान होकर के, तो हमने बात कर ली अधिकारियों से, वो ठीक हो जाए। सितारगंज में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समाज सेवी ललित कुमार आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि बीजेपी सरकार की तरफ से घर घर नल जल योजना को उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात बताया है। ललित आर्य ने कहा कि फ्री योजना का प्रचार कर सरकार ने जनता से छल किया है, सरकार ने गरीबों के नाम पर वसूली का नया दांव इस योजना के जरिए खेला है। साथ ही आर्य ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहाँ की 32% गरीब जनता स्रोतों नालों से फ्री जल पीती थी, सरकार ने इन्हीं लोगों को चिन्हित कर बेवकूफ बनाने का काम किया है। घर घर जल योजना से जनता के घरों में नल लगा दिए गए, जबकि पानी घरों में नहीं पहुंचा क्योंकि नालों का पानी सभी के घरों को पर्याप्त नहीं था और इसीलिए स्रोतों को रिचार्ज करने की सरकार के पास कोई योजना ही नहीं थी और जो नल पहले लगे थे हजारों लाखों हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं, उनकी सुध ना विभागों को है और ना ही सरकार को। जल घर घर नल जो योजना चलाई है सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है ये, इससे हमारे उत्तराखंड को जो है फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है और इसका जो है लोगों में बहुत बड़ा असंतोष और विरोध है। हमारे पहाड़ के जो गरीब लोग थे, 32% जो जनता थी पहाड़ की निर्धन गरीब, वो जनता जो है स्रोतों पर नदी नालों पर निर्भर थी। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं बना रही जिससे स्रोत जो है पुराने जो प्राकृतिक स्रोत है वो रिचार्ज हो। इन लोगों ने यहाँ पर जो है इस योजना को लागू किया और लोगों ने इतना ज़्यादा प्रचारित इस योजना को कर दिया कि फ्री में नल फ्री में जल वाली बात जो करी, लोगों ने उत्साह में जो है अपने अपने घर में पानी के लिए दौड़ लगा दी। अब उनके सबके घरों में नल जो है लग चुके हैं और लगने भी हैं, लेकिन अब उन स्रोतों में इतना पानी नहीं है कि वो नलों में आ जाए, तो लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और ऊपर से जो कोरोना महामारी में बेचारे दो जून की रोटी के लिए तरस रहे, उनको भाई आप 600-800 रुपये बिल भेज रहे जा रहे हैं दनादन। तो सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत इस योजना को चलाया कि 32% जो उत्तराखंड की जनता फ्री पानी पीती है उनसे कैसे वसूली की जाए और वो जनता आप जो है बेहाल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया से वर्चुअली बात की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदना कटारिया के साथ महिला हॉकी टीम में भाग लेने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से देश का मान सम्मान बढ़ा है। इसी के साथ सीएम ने वंदना कटारिया को अपने मुख्यमंत्री आवास पर भी आमंत्रित भी किया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि खेलों को प्रोत्साहित करने के राज्य में नई खेल नीति जल्द बनने जा रही है। देहरादून में 18 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल में
रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के उत्तराखंड आगमन पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में बैठक हुई। वहीं बैठक में आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और यात्रा को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री 18, 19, 20 अगस्त को 3 दिन के उत्तराखंड प्रवास पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 45 सांसदों को केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी गई है और ये सांसद पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से संपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले 18 अगस्त को केंद्रीय मंत्री के देहरादून आगमन पर उनके स्वागत को लेकर भी देहरादून जिले के सभी विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक संघ उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए 18, 19, 20 तीन दिन के प्रवास पर नैनीताल के सांसद जिनको केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे 45 नए सांसदों को मोदी सरकार में जिम्मेदारी मिली है और पूरे देश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। अजय भट्ट जी 18 तारीख को देहरादून आएंगे, देहरादून के प्रवास पर हैं। उनका स्वागत कैसे किया जाए उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज देहरादून जिले के सभी माननीय विधायक, मेयर, हमारे दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष और जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पुष्कर्तारे जी यहाँ पर बैठे थे। बड़े विस्तार से सब विषयों पर चर्चा हुई। उनका उत्तराखंड पहुँचते ही नारसन बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया जाएगा और जगह जगह इस बात होते हुए वो डाट देवी होते हुए देहरादून पहुँचेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में उनके स्वागत के कार्यक्रम रखे हैं। रात्रि विश्राम बीजापुर में होगा और उसी दिन वो आर्मी के कैंट जनरलों के साथ उनका और वेटरन्स के साथ उनका भोज होगा। सुबह छोड़ स्थल पर और बार वीडियोग्राम हो जाएंगे। इन सब विषयों पर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि हमारे पूरे के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे तो उनके बनने से लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ा है। तो भविष्य का बीजापुर का इंतजारी को लेकर आज मेरी आवास पर बैठक हुई और सारी विस्तृत चर्चा। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर बृहद अभियान की शुरुआत हो गई है। राजधानी देहरादून के संत निरंकारी भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे दिन भर में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने उत्तराखंड को वैक्सीन देने के लिए वरीयता के क्रम में रखा है और हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्धता कराई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से कराने का काम कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही दिसंबर तक प्रदेश भर में वैक्सीन की पहली डोज हर आदमी को लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमने हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है, मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों पे वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
और हमने राज्य के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% लोगों पर वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे और ये देश का पहला राज्य होगा जो इसी साल 100% लोगों पर वैक्सीनेशन करा देगा। वहीं रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पर बधाई देने वालों की कतार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब कुछ संस्थाएं भी इस कड़ी में आगे आई हैं और आपको बता दें कि ग्राफिक कैरा परिवार की तरफ से आज भारतीय महिला हॉकी टीम की वंदना कटारिया के परिवार को उत्तराखंड और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए 11 लाख रुपए की धनराशि का चेक भेंट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, ग्राफिक कैरा परिवार की ओर से ये भी घोषणा की गई है कि वंदना कटारिया की आगे की स्टडी के लिए ग्राफिक कैरा परिवार हर संभव मदद करेगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड की बेटी भारतीय टीम के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। और ग्राफिक कैरियर परिवार से आई महिला प्रतिनिधि की तरफ से वंदना कटारिया के परिवार को बधाई देते हुए 11 लाख रुपए की धनराशि का चेक भी भेंट किया गया। उत्तराखंड और पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत गर्व का माहौल है। हमारी उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया, जो कि भारतीय हॉकी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने इतिहास रचा है। उन्होंने मेडल नहीं हासिल किया वो अलग बात है, बट उससे भी बड़ी चीज़, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने करोड़ों भारतवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है एंड शी हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ गर्ल्स around the country, that if you believe in yourself, no matter what the hardships would be, you can transform your dreams into reality. And that's the tagline for the Graphic Era University as well. इसलिए हम आज Graphic Era परिवार की ओर से 11 लाख रुपए की जो धनराशि का चेक है वो हम उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं। और साथ में ग्राफिक एरा परिवार ने ये भी निर्णय लिया है कि आगे की जो भी उनकी ट्रेनिंग होगी या फिर जो भी उनकी हायर स्टडीज़ होगी वो ग्राफिक एरा परिवार उन्हें सपोर्ट करेगा। लालकुआ नगर पंचायत पर फिर एक बार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। दरअसल सूबे की जीरो टॉलरेंस पीएसडी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। नगर पंचायत के पूर्व सभासद जाहिद अली ने निर्माण कार्य में हुई कई अनियमितताओं को लेकर नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि जिस सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है, उसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की तरफ से किया गया था। रानीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें, दिल्ली पुलिस के 50,000 के इनामी वांछित अपराधी को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देश में एसपी सिटी हरिद्वार और एएसपी हरिद्वार के पर्यवेक्षण में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग करते हुए दिल्ली पुलिस के 50,000 के इनामी वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए खूंखार वांछित अपराधी के से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपराधी दिल्ली में गंभीर कारनामों को अंजाम देकर हरिद्वार में असले के साथ रहकर बड़े खतरे को अंजाम दे सकता था, लेकिन रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दिल्ली पुलिस का सरदर्द बने इस अपराधी को धर दबोच लिया है। ये जो हमारा पुलिस महानिदेशक का आदेश के अनुसार जो है इस महीने में जो है हम ऑपरेशन क्राइम ड्राइव, इसमें जो है हमारा जनपद में जो भी इनामी अपराधी है, वांछित अपराधी है, उनका जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको पकड़ के ये करने का ड्राइव चल रहा है। इसमें जो है हर थाने में जो है हम विभिन्न टीमों गठित करके जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इस श्रृंखला में जो है कल रानीपुर टीम द्वारा जो है चेकिंग अभियान में कर रहे थे, तो तब जो हम एक स्कूटी का रोक के चेक किया तो उसी व्यक्ति के संदिग्ध पाए गए थे और गहरे से पूछताछ करने पर जो है और तलाशी लेने पर जो है उनसे एक 9mm का पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस हमसे मिला है, हमारे पास मिला है। फिर उनका और पूछताछ करने पर जो है उनका नाम है उस्मान उर्फ कासिम उर्फ राजू बेचैन करके बताया था। ये मूल तौर पे बुलंद जनपद बुलंदशहर का रहने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली में रहना शुरू किया। इनका ऊपर लगभग 12 मुकदमा पंजीकृत है और ये जो है 2019 में एक सूफी करके एक गैंगस्टर को मर्डर, दिनदहाड़ मर्डर करने का केस में जो है इनका ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा जो है 50,000 का इनाम जो है घोषित किया गया है। ये दिल्ली पुलिस का
50,000 का इनामी है और इनको गिरफ्तार करके इनसे 9mm पिस्टल को हमने रिकवर कर दिया है और दिल्ली पुलिस को भी हमने सूचना दे दिया है, उसमें जो है आगे कार्रवाई किया जा रही है। और हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जैसा कि पता लगा है कि दिल्ली का ये इनामी बदमाश था, लगभग 50,000 रुपये का इनामी था और ये वहाँ दिल्ली से मटर वगैरह करके भागा था और यहीं देवनगर रामधाम की तरफ कहीं रह रहा था और यहाँ पे भी लगता है कि किसी घटना के प्रयास में था। तो इससे पहले की कोई अनहोनी होती है, हरिद्वार पुलिस और अपना रानीपुर कोतवाली ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया और हम लोग इसी के पक्ष में आज पिथौरागढ़ में पर्यटन की दृष्टि से तैयार की जा रही थरकोट झील निर्माण कार्य की धीमी गति से चलने पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने नाराजगी जताई है। कुल 29,73,00,000 की लागत से बन रहे इस झील में अब तक 9,80,00,000 की धनराशि खर्च करते हुए अब तक 40% काम ही पूरा हो पाया है। बता दें जिलाधिकारी ने झील निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए खामियां पाई हैं जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने सहित आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही झील का निर्माण कार्य पूरा होने की तय समय अवधि 2022 जनवरी कर दी है। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि जिले में बड़ी परियोजनाओं में तेजी से काम कराए जाने के लिए उनकी हर दिन मॉनिटरिंग किए जाने के लिए भी कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झील निर्माण के कार्य को विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता में लगे और तभी समय का से काम को पूरा किया जा पाएगा। मैंने जब इनका बार चार्ट देखा तो उसमें कुछ सेक्टर्स में इनकी प्रोग्रेस काफ़ी धीमी है, मतलब शून्य की संख्या भी उसमें इंगित हो रही है और हमें चूंकि नवंबर तक इसे या दिसंबर तक इसकी वर्क कम्प्लीशन की डेडलाइन है तो इसीलिए अकॉर्डिंगली मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उसमें सीसीटीवी कैमराज भी हम लगा रहे हैं, वीकली रिव्यू भी हम इसको करने वाले हैं और मैं इंस्पेक्शंस भी इसके बीच में करने वाला हूं ताकि टाइमली हम इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करवा सकें। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सतर्कता बरतते हुए मोटर मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कार्यस्थल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल में लाउडस्पीकर स्थापित कर कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश भी दिए। साथ ही संबंधित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्ग पर डोर बैरियर लगाएं ताकि भूस्खलन से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से जान माल का खतरा न हो सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूस्खलन क्षेत्र की वस्तु स्थिति की सूचना हर दिन फोटोग्राफ्स के साथ उप जिलाधिकारी और सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराने और सूचना अधिकारी को हर दिन प्रेस नोट जारी करने के निर्देश भी दिए ताकि आवाजाही करने वालों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मलकपुर गांव में सड़क पर अचानक विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ नहर पर बने पुल की एक तरफ से निकलते हुए दूसरी तरफ पार हो गया और इस दौरान आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। बता दें मगरमच्छ इतना बड़ा था कि जिसने भी देखा वो चकित रह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई मगरमच्छ मौजूद हैं जो अक्सर पानी से बाहर निकल आते हैं। वहीं वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी गई जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। उत्तरकाशी में बड़कोट में पहाड़ के युवा जो देहरादून दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, सभी ने अपने स्वास्थ्य समस्याओं और पहाड़ की पीड़ा को देखते हुए एक अनोखी पहल शुरू की है। अपने अपने व्यवसायों से जुड़े सभी युवाओं ने उन सभी व्यवसायिक लोगों से चंदा जमा किया जो दिल्ली देहरादून जैसे शहरों में रहते हैं। वहीं इस चंदे की जमा राशि को युवाओं ने अपनी संस्था हिमालयन संस्कृति संरक्षण और रुद्रा स्वायत्त समूह की तरफ से यमुना घाटी के 20 से ज्यादा गांव की आशा कार्यकर्ताओं को बांटा जिससे आए दिन होने वाली जांच किटें, थर्मामीटर, शुगर जांच मशीन, वेट मशीन, स्ट्रक्चर और स्टीमर आदि अनेकों सामग्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही सभी आशा कार्यकर्ताओं को समूह की तरफ से ग्राम स्तर पर मिनी मेडिकल खोलने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रेम पंचोली ने बताया कि हम पहाड़ के नागरिक हैं, भले ही हम शहरों में रहते हैं लेकिन अपने पहाड़ की पीड़ा को भली भांति समझते हैं जिसको देखते हुए हमने ये पहल शुरू की है। जब कोरोना का दूसरा लॉकडाउन हुआ और उससे पहले जो लॉकडाउन खुला था
लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने गांव-गांव तक जो है सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किया है। और मुझे लगा जब हमने पूरा गांव घूमे, उत्तराखंड के गांव घूमे, और हमें लगा कि गांव स्तर पे चेकिंग की कोई सुविधा नहीं है। कुछ भी आप अगर आपको ब्लड शुगर चेक करना है या आप बीपी चेक करना चाहते हैं तो आपको सीधा आपको CHC जाना पड़ेगा या दूसरे किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ग्रामीण क्लिनिक का कोई एक कल्पना साकार करें। उसमें जो हमने ये इनको एक हेल्थ किट प्रोवाइड की है, इसमें 100 प्रकार की जांच हो सकती है। 100 प्रकार की जांच आप गांव स्तर पर कर सकते हैं। हमने नौगों विकास खंड के 20 गांव को लिया है जिसमें हम 20 किट बांटें। और हमने कहा इसको कहाँ बांटें, तो इसके लिए हमने अपने साथियों से जो पूरी दुनिया भर में हमारे साथी हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।